पहले आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का मुख्य संयोजक हूँ, प्रदेश के कंज्यूमर फोरम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका चेयरमैन हूँ, देश विदेश की अनेकों संस्थाओं में वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का स्थायी सदस्य हूँ, लंदन का, फ्रांस का भी स्थायी सदस्य हूँ, और बहुत लीगल कमेटियाँ जो हैं, मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी चेयरमैन हूँ। वर्तमान में आरक्षण के मुद्दे पर जो बहस पूरे देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उस पर हमको आपको सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि विगत दिनों हमारे आरक्षण के मुद्दे पर जो भी हमारे छात्रगण है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो लड़ाई लड़ रहे थे, और आपने देखा होगा कि आज भी हमारे लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र जो उनके ऊपर FIR दर्ज है और वो आज भी जेलों में हैं। जबकि मैंने वहाँ की वस्तुस्थिति से जब पता किया तो पता चला कि वो लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन चला रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें ये पथराव और ऐसी घटनाएं की गई और इसके बाद हमारे लोग बंद कर दिए गए। मैं उसकी पहले निंदा करते हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वर्तमान में जब तक SC BC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आने वाले समय में सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं उनकी आंख हमेशा बंद रहेगी हमारे लिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों को शायद यह ज्ञान नहीं है कि SC BC माइनॉरिटी के लोगों ने ही आज उनको यहाँ सत्ता तक पहुँचाया है, और सत्ता में पहुँच जाने के बाद उन्हें यह नहीं ज्ञात है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जिसको वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण रूपी संरक्षण मिलना चाहिए, उससे उनको मरहूम किया जा रहा है, और ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ऐसे कुठाराघात किए जा रहे हैं, ऐसे आरक्षण पर गलत कानून बनाए जा रहे हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश में हमारे युवा और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री महोदय भ्रम में पड़ गए हैं, वो भ्रमित हो गए हैं। उन्हें शायद इस बात का ज्ञान होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस आरक्षण की वकालत करके लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि अगर आरक्षण का विरोध करेंगे तो सत्ता के बाहर का भी रास्ता उनको हमारी ही जनता, हमारे ही जो SC BC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो दिखा देंगे। अभी PCS में त्रिस्तरीय आरक्षण की बात हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षाएं जितने स्तर पर आप आयोजित करेंगे, संरक्षण उतने स्तर पर आपको देना पड़ेगा। एक स्तर पर परीक्षा कर लीजिए, अगर आपको लगता है त्रिस्तरीय आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होना चाहिए तो एक स्तरीय व्यवस्था कर लीजिए परीक्षा की, एक स्तर पे हमें आरक्षण दे दीजिए। अगर कोई BBIP है उसको संरक्षण हर जगह दिया जाता है कि वो BBIP है, और अगर आरक्षण का संरक्षण हमारे छात्रों को, हमारे समाज के लोगों को हर स्तर पे दिया जाता है तो इस पर लोगों को क्या दिक्कत होना चाहिए? यह दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे नेताओं को समझने की बात है। विगत दिनों आपने देखा होगा कि आरक्षण को लेकर जब उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लोग आंदोलित थे, आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण के पक्ष में काम करने के लिए लगातार अपने दफ्तरों में जाना चाहते थे, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, और आरक्षण का विरोध करने वाले सड़क पर उत्पात मचा रहे थे, दफ्तर बंद करा रहे थे। आपने देखा होगा कई कार्यालयों पर उन्होंने लाठी गुम्मे और उससे भी वो किया, लेकिन उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आज हमारे छात्रों पर जो अपनी मांग को लेकर इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में बंद करने की बात की जाती है। यह दुर्भाग्य की बात है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और हम आप लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि वास्तव में अगर यह सरकार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की हितैषी है तो जो भी हमारे छात्र आज जेलों में बंद हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोग ये बता देंगे, इस सरकार को ये दिखा देंगे कि हमारे लोगों के साथ अन्याय करने का क्या नतीजा आपको मिलता है। कोई भी लीडर हो, चाहे वो बैकवर्ड का हो, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, अगर वो आरक्षण का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर वो आरक्षण का पक्षधर होगा तो हम उसका पक्ष करेंगे। क्योंकि जब तक ये भावना हमारे आपके बीच में नहीं आएगी, आने वाले समय में आरक्षण की लड़ाई से कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। अभी भी हमारे जो लीडरान हैं, जो हुकूमत में, जो भी सत्ता में पहुंचे हुए हुए हैं, या जो सत्ता के बाहर सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि दलित और पिछड़ा उनके पीछे चलने के लिए उसकी मजबूरी है। जिस दिन उनको पता चल जाएगी कि हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे आरक्षण की बात करने के लिए आपकी मजबूरी है, जिस दिन उनको यह पता चल जाएगा कि यह उनकी मजबूरी है,
तो वो हमारे आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करेंगे और आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन जब तक उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि मजबूरी किसकी है, तब तक वो हमारे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में त्रिस्तरीय आरक्षण की व्यवस्था पर जब कुठाराघात किया गया, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय बाद में आया, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पहले आरक्षण का विरोध करने वाले कुछ छात्रगण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर और माननीय सपा प्रमुख के आवास पर मुलाकात करते हैं और उसी रात आरक्षण की व्यवस्था को सरकार द्वारा वापस कर ली जाती है। लेकिन हमारे छात्र, हमारे जो आरक्षण के समर्थक हैं, वो भी जब वहां मुलाकात करने जाते हैं तो जैसा मीडिया की खबरों में आया, उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप जो लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, आप अपने अपने घर चले जाएं, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कैसा देश का कानून है कि एक का संरक्षण किया जाता है और दूसरे का विरोध किया जाता है? अगर सरकार के पास समानता की कोई नीति नहीं है, अगर सरकार के पास समानता की कोई राजनीतिक सोच नहीं है, तो हमें ऐसी सरकार से क्या मतलब जो हमारे पिछड़ों की बात करती है और पिछड़ों का जब मौका आता है उसको संरक्षण देने का, उसके हित में कोई निर्णय लेने का, तो उसका विरोध चालू हो जाता है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण की व्यवस्था जो है, अगर बिहार में संवैधानिक व्यवस्था, बिहार में आज आरक्षण की व्यवस्था लागू है, फड़ामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू है, वहां भी बैकवर्ड का मुख्यमंत्री है। जो आरक्षण की व्यवस्था केंद्र द्वारा संचालित होती है, केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के तहत संपादित होती है सभी राज्यों में, अगर वो व्यवस्था बिहार में संवैधानिक है तो उत्तर प्रदेश में असंवैधानिक कैसे हो सकती है? लेकिन यहाँ के हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमको मार्गदर्शन करने की बात करते हैं, जो हमारे हितों में लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनकी सोच संवैधानिक नहीं है। अगर उनकी सोच संवैधानिक हो जाती तो आज हमें संघर्ष ना करना पड़ता, आज हमें न्याय मिलता। लेकिन उनकी सोच के लिए हम आपको यह बताना चाहूंगा, वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि उनको लगता है कि हमारे लोग की मजबूरी है उनके पीछे चलना। जिस दिन उनको यह भरम टूट जाएगा, निश्चित ही आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण में जो भी संवैधानिक कानून के तहत जो हमें न्याय मिलना चाहिए वो हमें न्याय मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा में पड़ामी ज्येष्ठता और दलितों के लिए आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था पास हुआ। इसके बाद आपने देखा होगा कि जब लोकसभा में पास होने का नंबर आया, आए दिन नए नए बिल लाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है। यह चिंता कब होगी? जब हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे माइनॉरिटी के लोग, ये एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन चलाएंगे, संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इस आंदोलन को शहर से लेकर गांव तक ले जाएंगे, ब्लॉक तक ले जाएंगे, घर तक ले जाएंगे और 2014 में इसको वोट में तब्दील करेंगे। क्योंकि हमारा अधिकार बैलेट बॉक्स में जब इनको दिखाई देगा कि हमने अपने अधिकार का संवैधानिक रूप से संरक्षण को देने के लिए, आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए हमने आपकी अपने वोट का प्रयोग किया है, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए वोट का प्रयोग किया है, तब उन्हें लगेगा कि वास्तव में SCBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो गए हैं और अब इनके पीछे हमें चलना पड़ेगा, अब इनकी अगुवाई हम इनको बेवकूफ बनाकर नहीं कर पाएंगे। यह सब हमको आपको सोचना होगा। मैं भाई अमरेश जी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है कि भारतीय युवा संसद, युवा जो है, युवा पूरी देश की तकदीर बदल सकता है, युवाओं की लड़ाई से ही आज यहां की सरकार जो बनी है। मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं, उन्होंने जब युवा होकर एक रथ निकाला और उन्होंने लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखी और उन्होंने ये हमको सपना दिखाया कि युवाओं का संरक्षण होगा, युवाओं के हित में निर्णय लिए जाएंगे, युवाओं के हित में कानून बनेंगे, युवाओं के हित में संवैधानिक व्यवस्था लागू की जाएगी, तो हमारे युवा वर्ग के लोगों ने उनको सत्ता में बहुमत में पहुंचाया। और बहुमत में पहुंचाने के बाद हमको यह दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। यहां लड़ाई शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड या माइनॉरिटी की नहीं है, यहां लड़ाई शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड 85 और 15 की है। अगर हमारे 85% के लोग एकजुट हो जाएंगे तो यह 15% के लोगों को आईना दिखा देंगे, 15% के लोगों को पता चल जाएगा कि आरक्षण का विरोध करने से पूरे देश में क्या हो सकता है, इसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि आरक्षण पर बहस क्या शुरू हुई, पूरे प्रदेश में ऐसा बड़ा हंगामा मच गया कि लोगों को लग रहा है कि आरक्षण क्या हो गया, वो देश पर पूरा संकट आ गया है। अरे भाई, ये आरक्षण की व्यवस्था कोई आज की है? ये आरक्षण की व्यवस्था कोई 2-4 दिन से है? ये हमारी जो सरकार वर्तमान में आई है तब से है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लोग एकजुट होकर संघर्ष करें, एकजुट होकर आंदोलन करें
और आंदोलन लगातार तब तक चलना चाहिए जब तक कि वास्तव में हमारे लोगों को न्याय न मिल जाए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारे लोग जेल में है। हमारे लोग जब जेल में, आपने देखा होगा वहां से यह खबर आई कि हमारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। दूसरे दिन राज्य सरकार ने उनका मेडिकल करा के और रिपोर्ट जारी किया, नहीं नहीं कोई भूख हड़ताल पे नहीं बैठा। उनका आदमी अगर 50 दिन से बैठ जाएगा, बोलेगा भूख हड़ताल पे है, तो सभी जगह प्रचारित हो जाएगा कि उनके लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, भले खाना खा रहे हो। लेकिन हमारा आदमी अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, उसका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है कि कोई भूख हड़ताल पे नहीं बैठा है। अरे भाई, सरकार अगर अपनी गुंडाई पर आ जाएगी तो कोई भूख हड़ताल पे बैठा भी होगा तो उसका मेडिकल जो है वो भूख हड़ताल वाला नहीं आएगा। सरकार जैसा चाहेगी उसका मेडिकल वैसा आएगा और वैसा ही रिपोर्ट छपेगा। तो भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, अब समय आ गया है हमारे यंग लोगों को, हमारे युवा लोगों को एकजुट होकर आंदोलन में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ओर से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अमरेश जी, आपको जो भी मदद होगी आर्थिक से लेकर हर लड़ाई में, जहां भी आप कहेंगे हर लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी ये लड़ाई आज यहां से निकलकर निश्चित ही बहुत दूर तक जाएगी और लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारी जो आरक्षण पर लोग कुठाराघात कर रहे हैं उससे वो बाज आए और संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण रूपी संरक्षण को हमें प्रदान करें, जिससे हमारे समाज को हक वापस हो सके और हम अपने हक को लेकर आगे बढ़ सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। जय भीम, जय भारत।